हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पर्सनल जर्नी में जो मैंने 5 ट्रिक्स सीखी हैं जिससे मैं आज तक अपना 25 केजीज ऑफ वेट लॉस मेंटेन कर रही हूं। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर न्यू हियर एंड आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई लॉस्ट अराउंड 25 केजीज इन 2015। आई वॉज जस्ट अ किड फिगरिंग आउट न्यूट्रिशन, उस वक्त मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। एंड आफ्टर लूजिंग वेट इट हैज बीन 6 ईयर्स टच वुड एंड आई हैव मेंटेन्ड ऑलमोस्ट मेंटेन द सेम वेट। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर माय बॉडी टाइप, व्हाट वर्क्स फॉर माय जर्नी एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क एज अ सस्टेनेबल अप्रोच इन द लॉन्ग रन, आई फिगर्ड आउट दीज 5 ट्रिक्स व्हिच आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस 2.5 इयर्स नाउ एंड दे आर वेरी गुड इन ऑर्डर फॉर मी टू मेंटेन माय एग्जिस्टिंग वेट। सो करंटली आई एम समवेयर अराउंड 53-54 केजीज। I am not looking for losing a lot of weight. I am just looking for building lot more muscle, जिससे हो सकता है कि मेरा body weight बढ़ जाए, but it will not be fat weight. It will be just lean body weight. So that is very different. इन दोनों के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, let me know in the comments below and I will make a video for that. So today, right now, I'm going to share with you 5 tricks, my personal favorite tricks, which I follow on a daily basis in order to maintain my weight. अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है ये सोच सोच के, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि कैसे आप ये डाइट करने के बाद अपना वेट मेंटेन करेंगे, या फिर आप वेट लॉस कर चुके हैं और मेंटेनेंस प्लान, मेंटेनेंस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प बोथ ऑफ यू। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 चीजें मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखी हैं। जरूरी नहीं है कि ये 5 चीजें आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो। मैं अपने क्लाइंट्स जिनके साथ मैं पर्सनली डील करती हूँ, उनको भी उनके मेंटेनेंस प्रोग्राम में उनके हिसाब से ही बिल्ड करके देती हूँ उनका प्लान। आइडियाज लीजिए, अडेप्ट करिए सम थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू, रिमूव द अदर्स विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट इज हाउ यू प्लान योर ओन कस्टमाइज मेंटेनेंस प्लान। ट्रिक नंबर The number one trick which I follow every single day is tracking my steps. Tracking your steps by a smartwatch is going to help you in just keeping a mindful check of how much body movement you are having. कभी कभी बहुत ज्यादा काम के बीच में हम लोग सिर्फ बैठे रह जाते हैं कंप्यूटर के सामने। प्लस भी मेरा जॉब ऐसा है जिसमें मैं क्लाइंट कंसल्टेशंस करती रहती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस करती हूँ, आई क्रिएट डाइट प्लान्स, आई क्रिएट यूट्यूब वीडियोस, मोस्टली सिटिंग जॉब है मेरी एंड उसमें अपने लिए वक्त निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। एंड जब हमारे पास सामने आंखों के रिजल्ट नहीं होता तो हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। इस स्मार्ट वॉच ने मुझे अपने स्टेप्स को ट्रैक करने में मदद की है। And no, it is nowhere a brand collaboration. I never promote any product on this channel or on my Instagram. So you can check my Instagram as well, जहाँ मैं daily lifestyle updates देती रहती हूँ आप लोगों को जो help करेंगी। So what I do is I wear my smartwatch every day सुबह होते ही and रात को जब मैं अपने steps check करती हूँ, it should be somewhere around 10,000. That is my goal. अगर मैं ये वॉच नहीं पहनती हूँ तो कभी कभी मैं इग्नोरेंट हो जाती हूँ और मैं क्योंकि अपने आप को मैं ट्रैक नहीं कर रही हूँ इसलिए आई जस्ट स्किप ऑन स्टेप्स। मे बी 10,000 स्टेप्स कोई गोल नहीं है जिसको आपको अचीव करना ही करना है। मोर इम्पॉर्टेंट इज बींग एक्टिव, मोर इम्पॉर्टेंट इज बॉडी मूवमेंट। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि अगर आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, हर रोज अगर आप एक्टिव है, आपका वेट लॉस जो हुआ है वो मेंटेन करने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। पर्सनली आई फेल्ट कि जब मैं अपनी बॉडी मूवमेंट कम करती हूँ, इवन विद डाइट एंड वर्कआउट, मैं फिर भी थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेंसी ऑफ माई जॉब। सो अगर आपकी भी जॉब ऐसी है जो लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग डिमांड करती है, आई वुड रिकमेंड यू टू ट्रैक योर स्टेप्स एवरी सिंगल डे। इट इज नॉट एट ऑल टैक्सिंग। दिस वॉच इज समवेयर अराउंड 3,000-2,000, आई डोंट रिमेम्बर। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। इट इज द चीपेस्ट वॉच आउट देयर। अगर आपके पास कोई और स्टेप काउंटर है, फोन में स्टेप काउंटर है, आप वो ले सकते हो। मैं हर वक्त अपने हाथ में फोन रखना पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से मैंने ये वॉच ली एंड इट हैज बीन अ वेरी गुड इक्विपमेंट फॉर कीपिंग मी ऑन ट्रैक। नंबर 2, द ट्रिक विच आई अडेप्टेड फॉर मेंटेनिंग माई वेट इज प्रिपेयरिंग द एंटायर वीक्स मेन्यू इन माई हेड, समटाइम्स राइटिंग इट डाउन। हम हर रोज अपनी मील्स के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे एंड इट टेक्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। इनिशियली जब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है। सो एवरी संडे आई प्लान आउट कि मुझे कितने अंडे खाने हैं, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, किस तरह का मेरा लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग आई डू राइट इट डाउन। आई स्टॉक माई पैंट्री अप ताकि जब मैं पूरे वीक में अगर मुझे टाइम नहीं है बाहर जाके स्टॉकअप करने का, कोई सामान लेने का, मेरे पास ऑलरेडी वो सामान रखा है जिससे मैं एक हेल्दी मील प्रिपेयर कर सकती हूँ। मील प्लान, आपको कोई डाइट नहीं करनी है, डाइट कल्चर इज समथिंग विच आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर, बट ऑफ कोर्स
माइंडफुल ईटिंग, कॉन्शियस ईटिंग इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर वेट. अगर आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं खाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप अपने गोल को कभी भी बिना हेल्दी ईटिंग के अकम्पलिश नहीं कर सकते. नो मैटर हाउ मच कैलोरी डेफिसिट यू हैव, अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहे, तो आपको एक हेल्दी मील प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए. मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने अक्सर अपने मील प्लेट्स को शेयर किया हुआ है, आप वहां पे मुझे चेक कर सकते हैं. वेरियस इंडियन ऑप्शंस विच यू कैन चूज फ्रॉम इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ योर जर्नी, नॉट जस्ट वेट लॉस बट ऑल्सो मेंटेनेंस. सो दिस इज ट्रिक नंबर टू, दैट आई स्टॉक अप एवरीथिंग विच आई नीड एवरी संडे, ताकि मैं ग्रेविटेट ही ना करूं किसी ऐसी चीज की तरफ जो मुझे मेरे पास से डिस्ट्रैक्ट कर देगा. नंबर थ्री, कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी आउटिंग्स आई एम हैविंग. बिकॉज आई फॉलो अ वेरी हेल्दी रूटीन, आई ट्राई टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट कि हफ्ते में एक आउटिंग से ज्यादा ना हो. अगर दो आउटिंग हो भी जा रही है, तो आई शुड बी हैविंग द अकाउंट ऑफ दैट. मैं बाहर जाके कुछ भी खा के भूलती नहीं हूँ, बिकॉज द नेक्स्ट डे आई जस्ट कॉम्पनसेट फॉर वॉट आई हैव ईटन, जस्ट बैलेंसिंग इट आउट. एंड दैट इज हाउ माई बॉडी वर्क्स. सो वॉट माई बॉडी वर्क्स इज लाइक, आई हैव एन एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप. मैंने बॉडी टाइप्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसका रेफरेंस लेके आप समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात करूँ. So the kind of body type I have, it is very easy for me to put on weight and I have accepted that. मैं इस चीज से चिढ़ती नहीं हूँ, मैं इस चीज से कुड़ती नहीं हूँ, मैं किसी और से अपनी बॉडी को कंपेयर नहीं करती, बट आई डू बैलेंस माई चीट मील्स विद हेल्दी मील्स द वेरी नेक्स्ट डे. आई डू नॉट वॉन्ट टू डिले इट ताकि मेरी बॉडी में फैट स्टोर हो जाए. आई जस्ट कॉन्शियसली कीप अ ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स कि अगर मैंने बाहर जाके खाया है तो नेक्स्ट डे आई विल कीप इट वेरी सिंपल प्लेन, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल में जाऊंगी. In order to balance it out, maybe I'll increase my steps, maybe I'll increase some workout steps. ये सब करके भी anything which you do physically cannot outrun or outweigh a bad diet. So you have to have a balance of everything. I do go out with my friends and family, enjoy good tasty junk meals as well, full of oil, full of salt and sugar. But I do enjoy my healthy meals as well. So there is a balance of everything, and this is what you learn over a period of time. रातों रात आपको ये बैलेंस समझ में नहीं आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू फिगर आउट, एक्सेप्टेड दैट ओके मैंने बाहर खाया है, अपने ब्रेन में ये चीज रखो ताकि इसको आप स्किप ना करो कभी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, बिकॉज अक्सर हम लोग का वेट तब बढ़ता है व्हेन वी निगलेक्ट व्हाट वी हैव डन. मेरे क्लाइंट्स 80% ऑफ देम व्हेन दे स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम टू मी, दे से दैट मैं कुछ खाती नहीं हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है. एंड व्हेन वी स्टार्ट ट्रैकिंग देयर आउटिंग्स, देयर ऑर्डरिंग्स, देयर एवरीडे बेसिस की क्या वो खाते हैं, देन वी रियलाइज मी एंड हर बोथ दैट आप कुछ खा के ही वजन बढ़ा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाते नहीं हो और वजन आपका ऐसे ही बढ़ जा रहा है. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग आउट, योर डाइनिंग आउट, योर टेक अवेज, योर ऑर्डरिंग इन, सो दैट यू कैन बैलेंस इट आउट द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट वीक. तो फोर्थ, ये ट्रिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है जो मैंने अडेप्ट किया, इज दैट आई कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू डू अराउंड 40 minutes ऑफ वर्कआउट 3 days ऑफ द वीक. So apart from my daily steps, I do incorporate 3 days of a week of workout. 3 days of the week, जब मैं बहुत ज़्यादा busy हूँ, ideally I try to do 5 days a week. It includes a lot of cardio and strength training both. So 15-20 minutes of cardio, then 15-20 minutes of strength training. कभी कभी 40 minute का strength training होता है, कभी कभी yoga, सूर्य नमस्कार. It is a mixture of a lot of things. But I consciously make an effort कि मैं 3 दिन हफ्ते के एक्टिव वर्कआउट करूं अपार्ट फ्रॉम माई डेली स्टेप्स. सो आपको लग रहा होगा ये ट्रिक का है, ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है, जो भी मैं बता रही हूँ उसमें मेहनत है. सो इफ यू वॉन्ट टू बी फिट, इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू एनी विच वेज. वेट लॉस के टाइम करना है, वेट मेंटेनेंस के टाइम करना है. द मोमेंट यू गो ऑफ ट्रैक, यू आर गोइंग टू गेट बैक ऑन वेयर यू स्टार्टेड, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट. एंड दैट इज अ सैड ट्रूथ. हेल्थ एंड वेलनेस नीड्स कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, एंड एक दिन करके 4 दिन भूलने वाली जर्नी ये नहीं होती है. फिफ्थ वेरी कूल ट्रिक विच आई हैव अडेप्टेड इन माई हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी एंड विच हैज मेड मी बी ऑन ट्रैक विद माई गोल्स इज ऑलवेज मेजरिंग माई सेल्फ रादर देन वेइंग माई सेल्फ. वेइंग स्केल से हर रोज अपने आप को वे करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजेंट ट्रिगर मी. बट आई हैव चेंज माई पाथ एंड आई टेक प्रोग्रेस पिक्चर्स एवरी वीक. एवरी संडे और मंडे मैं अपनी प्रोग्रेस पिक्चर लेती हूँ इन माई जिम क्लोथ, इन माई टाइटेस्ट क्लोथ, सो दैट आई कैन कीप अ ट्रैक ऑफ वॉट बॉडी चेंजेस आई एम गोइंग थ्रू. बिकॉज आई एम वर्किंग आउट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ वॉट आई एम ईटिंग, ऑफकोर्स विद ऑन एंड ऑफ एंजॉयमेंट ऑल्सो. आई हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग आई टोल्ड यू, बट आई कीप टेकिंग प्रोग्रेस पिक्चर्स एंड बॉडी मेजरमेंट्स
सो दैट आई हैव अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. और पूरी बॉडी का मैं मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, आई जस्ट मेजर माई वेस्ट एंड माई हिप. अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक माई प्रोग्रेस पिक्चर्स एवरी वीक एंड दिस इज हाउ आई कीप अ ट्रैक ऑफ माई जर्नी. आई मे बी चेक माई वेट एवरी मंथ और सो, महीने में एक बार या दो बार मैं वजन चेक कर लेती हूँ, कभी कभी वो भी नहीं करती. बट आई ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ माई प्रोग्रेस पिक्चर्स. दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी फिगर आउट कि मैंने मसल बिल्डिंग में इतना अगर वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ तो उससे मेरी मसल बिल्डिंग हुई है कि नहीं. अगर मैं बाहर जाके खा रही हूं तो उस दो चार दिन का जंक खाने से मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ा है. प्रोग्रेस पिक्चर्स ऑलवेज शो दैट, पिक्चर्स नेवर लाई. एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड यू गाइस नॉट ओनली इन योर वेट लॉस जर्नी बट इन योर वेट मेंटेनेंस जर्नी टेक प्रोग्रेस पिक्चर्स. बिकॉज इफ यू आर कॉन्शियसली मेकिंग योर एफर्ट टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल यू आर बाउंड टू सी सम चेंजेस इन योर बॉडी एंड इट विल मेक यू हैप्पी. एंड इवन इफ यू सी सम नेगेटिव चेंजेस यू कैन वर्क ऑन देम बिकॉज यू नो देम. सो दीज आर माई फाइव स्टेप्स आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर मेंटेनिंग माई लॉस वेट. These are the five steps which I incorporate in my clients' weight maintenance journeys as well. So after weight loss, my clients enroll for a 1 year weight maintenance plan, जिसमें हम लोग work करते हैं उनकी छोटी छोटी requirements पे, छोटे छोटे issues पे, and these are the things which keep them also on track. With that, I come to the end of this video. This is a lot of work, ऐसा लगता है, but when you start doing it, eventually you get used to it, and it is not that much of a work. Trust me. So I hope you also try doing that. Let me know in the comment section इनमें से कौन सी चीजें आप अभी से adapt करना शुरू कर रहे हो. इसके next वाले video में मैं अपना birthday month challenge भी निकाल रही हूँ. My birthday is on 18th of July and I always last year भी मैंने birthday month challenge किया था. इस year भी मैं birthday month challenge कर रही हूँ. I will encourage you guys to participate in that challenge. It will be for your benefit, not mine. So I will encourage you to follow me on my Instagram जहाँ पे मैं forms निकालूंगी and this time the birthday month challenge will be more organized. I hope this video was informative for you. अगर आपको लगा कि इस चैनल से और मुझसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिलो. हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. गुड बाय.